कर रहे हैं, ऐसे जो टेढ़े रास्ते हैं ब्रेसिंग जो है उनके ऊपर कभी भी नहीं जाना चाहिए। ऊपर नीचे जाने के लिए सीढ़ी का प्रयोग होता है, जो साइड में लेडर आपने लगा रखी है उसको आप प्रयोग कर सकते हो, ताकि लेडर के थ्रू आप ऊपर भी जा सको और नीचे भी उतर सको। तो बेसिक कॉज है ये, ओवर मैनेजमेंट अगर सही तरीके से नहीं है, पॉलिसी मैनेजमेंट की अच्छी नहीं है तो एक्सीडेंट होगा, सही तरीके से सही टाइम पर डिसीजन नहीं ले गया तो एक्सीडेंट होगा। पर्सनल और इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसे कि बारिश आ गई, आंधी आ गई, तूफान आ गई, अभी आपने मुंबई की एक वीडियो देखी होगी पिछले एक महीने पहले जब सावन शुरू हो रहा था तो एकदम से बहुत तेज़ आंधी आई, दिल्ली में भी बहुत सारे एक्सीडेंट हुए, मुंबई में भी ऐसे एक्सीडेंट हुए, पूरा का पूरा स्कैफोल्डिंग आके रोड के ऊपर कलेप्स कर गया और बहुत सारी गाड़ियों को उसने तोड़ दिया, बहुत सारे लोगों को मार दिया। ऐसे ऐसे एक्सीडेंट मौसम की वजह से जब हों तो उनको बोलते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर, इन्वायरमेंट की वजह से जो एक्सीडेंट हो जाते हैं वो इसके अंदर आते हैं, या एक्ट ऑफ गॉड भी आप उसको बोल सकते हैं। कैसे उनको दुर्घटनाओं को बचाया जाए उसके बारे में हम बात करेंगे भाई। स्कैफ फोल्डिंग का बनाने का प्रोसेस क्या है और स्कैफ फोल्डिंग के प्रोसेस में किस किस तरीके की घटनाएं हो सकती हैं। जब भी आप कभी स्कैफ फोल्डिंग बनाने जाएँ तो उसकी प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए कि आपको कैसा स्कैफ फोल्डिंग बनाना है, उसका डिज़ाइन कैसा रहेगा, उसकी हाइट कैसी रहेगी, उसकी लेंथ कैसी रहेगी, उसकी दूरी कितनी रहेगी, उस पर कितने लोगों ने काम करना है, कितने लोग खड़े होंगे, कितना सामान का लोड होगा, ये सारी की सारी अगर कैलकुलेशन है तो आपका जो स्कैफ फोल्डिंग है उसको बनाने में आसानी हो जाती है, आपको पता लग जाता है कौन सा आप मटेरियल उसके अंदर लगाने वाले हैं। प्लानिंग करेंगे तो प्लानिंग करते हुए स्कैफ फोल्डिंग की यही चीज़ देखेंगे कि स्कैफ फोल्डिंग की प्लानिंग कर रहे हैं, कौन उसको पहले इरेक्ट करेगा, कहाँ पे इरेक्शन होगा, स्कैफ फोल्डिंग की कैपेसिटी क्या होगी, उसको जो इरेक्ट करने वाले हैं वो स्कैफ फोल्डर जो है वो कॉम्पिटेंट है कि नहीं है, उन्होंने पहले कहीं काम किया है कि नहीं किया है, कब इरेक्ट होने वाला है। जैसे मान लीजिए अभी मैं बात करूँ तो मौसम मानसून का सीज़न चल रहा है अभी, और ऐसे सीजन में अगर मिट्टी के ऊपर हमको स्कैफोल्डिंग खड़ा करना है तो हमको चार बार देखना पड़ेगा भाई, मिट्टी के ऊपर आप खड़े करने वाले हो तो वहाँ पे कम से कम ऐसी मिट्टी हो जो कि कोलैप्स ना करे, जिसके ऊपर आपका स्कैफोल्डिंग का बेस प्लेट्स हैं वो बैठे ना, तो हमको ये चीज़ ध्यान देनी है कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेंगे, क्या कैपेसिटी होगी, कौन जिम्मेदार आदमी होगा, या जो जो आदमी काम कर रहा है वो रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं है, जो स्कैफोल्डिंग बनाने वाला है उसको काम करने का एक्सपीरियंस है कि नहीं है, उसने पहले कितने स्कैफोल्डिंग बनाए हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, प्लान करेंगे। अभी देखिए जैसे हमने घर की एक दीवार पे काम करना है तो उसका स्कैफोल्डिंग अलग बनेगा, इस तरीके का जो पिलर बनाना है, चिमनी बनानी है तो इस तरीके में अलग होगा। गुड पॉइंट क्या है, स्कैफोल्डिंग को इरेक्शन किया जा रहा है और जो स्टैक जो है स्कैफोल्डिंग उसकी हाइट जो है वो 50 मीटर है, तो आपको ये प्लानिंग करनी है कि भाई अब ऐसी आपकी प्लानिंग होगी 50 मीटर का आपका है, बीच बीच में कहाँ कहाँ आपको सेफ पॉइंट देने हैं जहाँ पे आप खड़े होकर काम कर सकते हैं या आपको मदद ले सकते हैं या रेस्क्यू पॉइंट बना सकते हैं। तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये आपके डिज़ाइन करने में उसको देखने के लिए काम आते हैं, भाई कौन कौन सा स्कैफोल्डर उसके अंदर लगे हुए हैं और कितने कितने काम कर रहे हैं, एरिया जो है वो आसपास का बैरिकेड करना है, क्योंकि जब ऊपर आप कोई काम कर रहे हैं छोटा मोटा बोल्ट भी अगर हाथ से छूट गया तो किसी की जान ले सकता है। स्ट्रेंथ देखनी है आपने, स्कैफोल्डिंग की स्टेबिलिटी क्या है, उसको सपोर्ट किस चीज़ से दिया है, जिस चीज़ से उसको सपोर्ट दिया गया है वो स्ट्रक्चर मजबूत है कि नहीं है। मान लीजिए किसी पेड़ के साथ में दे दिया और पेड़ खुद ही गिर जाए, या दीवार के साथ दे दिया, दीवार कच्ची है, 4 इंची की दीवार है, वो खुद ही गिर जाए, तो कोई अच्छा बीम, कोई अच्छा पिलर, ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो कि सपोर्ट हो, जिसके अंदर और अच्छे से काम हो सके, और जो भी ऑल्ट्रेशन करनी है, डिसमेंटलिंग करनी है, उस टाइम पर एक्सीडेंट को सही तरीके से रखा जा सके। गुड़गांव के अंदर एक साइट है जिसको बोलते हैं एयरटेल भारती साइट, वहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ था, उसमें क्या हुआ था, एक पूरा का पूरा स्कैफोल्डिंग बना के रखा हुआ था, और बना के रखा हुआ था तो काम खत्म होता चला गया धीरे धीरे, जब लास्ट जो स्टेज होती है हम लोग पहले स्कैफोल्डिंग बना देते हैं, पूरा बन जाता है, उसके बाद में प्लास्टर करते करते नीचे आते हैं तो धीरे धीरे ऊपर का स्कैफोल्डिंग जो है उसको खोलते आते हैं। तो वो क्या किया, नीचे से पूरा का पूरा स्कैफोल्डिंग खोला इन्होंने, ऊपर से नीचे तक नहीं आए, नीचे से पूरा पूरा खोलते चले गए, और ऊपर जो है किसी आदमी ने उसको स्कैफोल्डिंग के जो ऊपर वाले जो रंग्स थे उनको जो निकले हुए थे उसको रस्से से बांध के रख दिया था कि भाई कोई भी आदमी जो है देख लेगा, जब हम स्कैफोल्डिंग जब पूरा का पूरा ख़त्म कर देंगे तो उस रस्से को खोल देंगे, काम खत्म हो जाएगा। नीचे की पूरी सपोर्ट हटा दी है, ऊपर ऐसा कैसा स्कैफोल्डिंग खड़ा हुआ है और ऊपर से रस्से से बांधा हुआ है। अभी क्या हुआ, बारिश जब बिल्डिंग जब बन जाती है तो स्क्रैपर आते हैं, कबाड़ी आए, कबाड़ियों ने पूरा का पूरा सामान लिया ऊपर से, और जो ऊपर के जो रस्से थे ना उसको खोल खोल के अपना जो कबाड़ा था उसको बांध लिया और ले गए। 4-5 दिन के बाद हवा आई तो पूरा का पूरा स्कैफोल्डिंग ऐसे गिर गया, 120 मीटर का स्कैफोल्डिंग था, स्कैफोल्डिंग गिरा, 6 आदमी मरे इसके अंदर,
छह आदमी जब मरे तो पूरी की पूरी जो बिल्डिंग है 8 साल के लिए सीज होगी। गवर्नमेंट ने उसको बंद कर दिया कि भाई काम बंद करो आप इसका। ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं साइट के ऊपर, और साइट के ऊपर इंसिडेंट होने से, फैटल एक्सीडेंट होने से काम भी बंद हो सकता है। तो मैं उसकी गहराई आपको बता रहा हूँ कि अगर स्कैफोल्डिंग को सही तरीके से ना बनाया जाए तो क्या क्या उसके अंदर घटनाएं हो सकती हैं। तो जो डिज़ाइन जब करेंगे स्कैफोल्डिंग को, उसकी स्ट्रेंथ चेक करेंगे, स्टेबिलिटी देखेंगे, जिससे आप सपोर्ट दे रहे हो उसकी रिजिड है, इसकी सपोर्ट लेस लेने के लिए है कि क्षमता नहीं है। अगर जैसे आपको अगर हल्का स्कैफोल्डिंग बना दिया, उसके ऊपर 400 किलो लोड डाल दिया तो वैसे ही टूट जाएगा वो। तो उसकी स्ट्रेंथ भी आपको देखनी है, जहाँ पे उसके आदमी काम करेंगे, जो जो आदमी काम करेंगे उनकी भी सेफ्टी आपको देखनी है। तो भाई जितने आदमी खड़े हैं उनके खड़े होने के लिए है क्या नहीं है वो वर्किंग प्लेटफॉर्म, उनका लोड ले सकता है कि नहीं ले सकता है, वो जो मटेरियल आप यूज़ करने वाले हैं वो कितना हम लोग स्टोर कर सकते हैं। कई बार देखा गया है कि एक ही चाली के ऊपर 20-20 कट्टे रख दिए हैं सीमेंट के, तो वो गिरेगा कि नहीं गिरेगा। तो इतना लोड अगर डालेंगे तो वो गिरेगा, बचेगा ही नहीं। तो वही सब चीज़ें हमको देखनी है। कभी भी कोई भी स्कैफोल्डिंग बना हुआ हो तो उसके अंदर कोई ऑल्ट्रेशन नहीं करनी है, ना उसको डिसमेंटल करना है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ करोगे तो उसके अंदर एक्सीडेंट होने के पूरे पूरे चांस है। तो सेफ्टी जो है, जो आम जो आदमी काम करेंगे उनकी भी सेफ्टी देखनी है। ऐसा नहीं है कि जो आसपास के एरिया है उन्हीं की देखनी है, जो बनाएगा जो खड़ा होगा उसकी भी उसको देखनी है सेफ्टी। जितनी भी सेफ्टी वहाँ पे आसपास के जो लोग हैं उनकी भी सेफ्टी हमको देखनी है। तो स्कैफोल्डिंग इरेक्शन करते हुए क्या क्या देखेंगे, आपका ट्रेंड होना चाहिए आदमी, स्किल्ड होना चाहिए, जिसने पहले कभी काम किया है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने स्कैफोल्डिंग देखा ही नहीं है, अचार आदमी आए नए उनको बोला भाई चलो तुम स्कैफोल्डिंग बना दो, उन्होंने स्कैफोल्डिंग देखा ही नहीं है, स्कैफोल्डिंग का पता ही नहीं है कैसे इसमें क्या क्या हो सकता है। इसके लिए ट्रेंड और कंपिटेंट आदमी, स्किल्ड आदमी, जिसको काम का एक्सपीरियंस हो, सिर्फ उसी को बनाने के लिए स्कैफोल्डिंग देना है कि भाई आपको पता है आप इस बिल्डिंग स्कैफोल्डिंग को आप बनाइए। उसके बाद जब इरेक्शन करोगे स्कैफोल्डिंग का तो क्या क्या चीज़ें देखनी है, जैसे हमने बोला ट्रेंड और स्किल्ड आदमी होना चाहिए, कितने आदमी काम करेंगे स्कैफोल्डिंग पर वो देखना है। जो भी स्कैफोल्डर काम कर रहे हैं वो मेंटली और मेडिकली फिट होना चाहिए। क्यों, अगर कोई आदमी आपका ऊपर जा रहा है हाइट के ऊपर जाके, वो मेडिकली फिट नहीं है, उसको बीपी का प्रॉब्लम है, उसको शुगर का प्रॉब्लम है, ऊपर जाके चक्कर आ रहे हैं, सिर घबरा रहा है या दिक्कत हो रही है कुछ, तो वो एक बड़ा एक्सीडेंट का कारण हो सकते हैं। जितने भी आपके स्कैफोल्डर उनको मेडिकली फिट होना चाहिए। आप उसका सर्टिफिकेट एक लेके रखिएगा कि भाई ये जो आदमी स्कैफोल्डिंग बनाने वाले हैं ये सर्टिफाइड है डॉक्टर से और मेडिकली फिट हैं, इनको हार्ट की, लंग्स की या शुगर वगैरह की कोई इशू नहीं है, कोई चक्कर वगैरह इनको नहीं आते हैं। किसी को पुराने सिम्टम्स हो, किसी को फिट्स आते हो, मुर्गी का दूरा पड़ता हो, हाइट से डर लगता हो, ऊंचाई से डर लगता हो, उसको ऐसे स्कैफोल्डिंग के काम में नहीं घुसना चाहिए। ऊपर भी खड़े उसको नहीं, ऊपर खड़े होकर देखेंगे तो उसी को चक्कर आएंगे। आसपास को जो एरिया है उसको कॉर्डन ऑफ कर देना चाहिए, जिससे कि आदमी जो आपके आसपास में है वो सेफ रहें, उनको किसी भी तरीके का ऐसा ना हो भाई कोई आदमी आपके उस एरिया से गया तो उसको पता नहीं है ऊपर काम चल रहा है उसके ऊपर कुछ गिर जाए, जिससे आसपास की जो ट्रैफिक मूवमेंट है उससे उसको बचा के रखना है। जो भी आदमी काम करेगा प्रॉपर PPEs पहनेगा, हेलमेट, जैकेट, शूज़ या हैंड ग्लव्स, जो भी उसको चाहिए वो सब उसको इस्तेमाल करने हैं स्कैफोल्डिंग बनाने के दौरान। एनवायरमेंटल कंडीशन चेक कर लेनी है, जैसे अभी मैंने बताया था आपको एनवायरमेंटल कंडीशन में क्या चेक करेंगे, बारिश, आंधी, धूप, गर्मी, सर्दी, बर्फ़, सब चीज़ देखनी है। अभी ऐसे नहीं होना चाहिए, आपका जो एरिया है उस लोकेलिटी के हिसाब से आप देखिए, अगर बारिश का मौसम है तो नीचे की मिट्टी पहले चेक कर लीजिए, ऐसा ना हो कि जिस एरिया में आप बनाने वाले हैं वो एरिया ढह जाए, बारिश के पानी में चला जाए। तो प्रॉपर पैकिंग आपको उसकी रख के ही बनाना है उसको। तो इन्वायरमेंटल कंडीशन चेक करनी है, कहीं बर्फ़ गिर रही है तो उसको भी चेक करना है, आसपास में कोई इलेक्ट्रिकल की लाइन है उसको चेक करना है, ये सारी चीज़ें हमको देखनी है। तो जो भी मटेरियल है वो स्टैंडर्ड के हिसाब से होना चाहिए, ISI कोड के साथ में होना चाहिए, ताकि कोई भी इंसिडेंट एक्सीडेंट से आप बच के रह सको। उसके बाद बात करेंगे स्कैफोल्डिंग के इंस्पेक्शन की, कैसे आपको स्कैफोल्डिंग को इंस्पेक्शन करना है। इंस्पेक्शन करने के दौरान क्या कर सकते हो, इंस्पेक्शन सिर्फ वो ही आदमी कर सकता है जो ट्रेंड हो, जिसको पता हो भाई कौन कौन से स्कैफोल्डिंग में क्या क्या चीज़ें देखने की होती हैं। तो कंपिटेंट आदमी काम करेगा, उसको देखना है कि भाई कोई गैप तो नहीं है स्कैफोल्डिंग में, चाली जो बनाई है वो अच्छे से बंधी हुई है कि नहीं बंधी हुई है। आपके जो स्कैफोल्डिंग के अंदर अगर गैप है तो आपको रिटर्न में नोट कर देना है कि भाई इसके अंदर गैप मिले थे, मैंने ऑब्जर्वेशन दिया है उनको। और अगर आप कंपिटेंट हो तो आपको सारी की सारी चीज़ें पता लग जाती है। अगर कोई आदमी नहीं है, जैसे हमने लेबर चौक से 4 लेबर पकड़ ली, उसको हम लोग लेके स्कैफोल्डिंग बना रहे हैं, उसको पता ही नहीं होगा कपलक को टाइट कैसे करना है, लूज कैसे करना है, तो दुर्घटना बड़ी हो सकती है। तो इसके लिए कंपिटेंट आदमी चाहिए वहाँ पर, जो कि सर्टिफाइड हो और जो स्कैफोल्डर जो काम कर रहे हैं उनके पास में सारी सारी चीज़ें हों। अगर सर्टिफाइड हैं, टैग्स हैं, तो सबके सब चीज़ें सेफ हैं। क्यों आपको ज़रूरत है स्कैफोल्डिंग के इंस्पेक्शन की? तो स्कैफोल्डिंग के इंस्पेक्शन की ज़रूरत ऐसे है आपको, क्योंकि जो बॉटम जो है देखो इसकी, अगर इस तरीके का स्कैफोल्डिंग है साइट के ऊपर और आपको किसी इंस्पेक्शन ने किया ही नहीं है किसी आदमी ने,
तो आपने 10 मीटर का स्कैफोल्डिंग बनाया है, उसमें चार जगह आपको ऐसा मिलेगा कि जो बेस जैक है वो मिसिंग मिलेगा, बॉटम की जो सपोर्ट है मिसिंग मिलेंगी, इतना गैप मिलेगा उसके अंदर। अब आप देखिए, था ये सपोर्टेड स्कैफोल्डिंग और हमने इसको बना दिया सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग। जब भी आप कभी इसके ऊपर काम करने जाओगे तो ये लर्ज मारेगा, ये ऊपर नीचे होगा, आपको जो है काम करने में असावधानी होगी, असुरक्षा फील होगी आपको, और अनईजी लगेगा आपको काम करने में, चक्कर भी आएंगे, आप चोट भी लग सकती है, गिर भी सकते हो, और आगे और बड़े बड़े कारण भी हो सकते हैं इसके। क्यों आपको चेक करना है ये देखिए, इसलिए आपको स्कैफोल्डिंग के इंस्पेक्शन की ज़रूरत होती है। जितने भी आपके जो कपलोक्स हैं वो ढीले पड़े रहते हैं कई बार, अगर नहीं चेक किया जाए तो, इसलिए आपको उसको चेक करने की ज़रूरत है। स्कैफोल्डिंग के जो क्लैंप्स हैं वो कई बार देखा गया है कि रेलिंग के अंदर लगा रखी है। अब ये देखिए, ये रेलिंग है, रेलिंग के अंदर आपने स्कैफोल्डिंग या क्लैंप्स लगा दी। रेलिंग तो खुद ही आपको, रेलिंग है सिर्फ आपको रोकने के लिए कि आप ना गिरो, उसी को आप सपोर्ट के तौर पर काम कर रहे हो, उसी को आप सपोर्ट के तौर पर यूज़ कर रहे हो, तो वो गिरेगी और आपके बड़े स्ट्रक्चर को लेके जाएगी। तो इसीलिए आपको स्कैफोल्डिंग के इंस्पेक्शन की ज़रूरत होती है। स्कैफोल्डिंग का इंस्पेक्शन आपको कैसे करना है, लोकेशन क्या है, कॉन्ट्रैक्टर कौन है, और जो भी आदमी काम करेगा उसको ये देखना है कि भाई जब भी कभी आप स्कैफोल्डिंग चेक करेंगे तो आपके हाथ में दो तरीके के टैग होने चाहिए, रेड टैग, ग्रीन टैग। रेड टैग का मतलब आप उसको यूज़ करने वाले हैं, आप अगर काम कर रहे हैं तो उसको आप रेड टैग लगाएंगे, कोई भी अल्ट्रेशन हो रही है, कोई काम चल रहा है तो हमेशा रेड टैग रहेगा। जब एक बार सेफ हो गया तो आप ग्रीन टैग दे सकते हो। ग्रीन टैग भी आप कब दोगे, जैसे हमने पहले बोला था कि आप कंडीशन जानोगे, कौन सी ड्यूटी का बनाया, लाइट ड्यूटी है, मीडियम ड्यूटी है, हैवी ड्यूटी है। हैवी ड्यूटी उसके भी डिटेल आएंगे नीचे, किस किस पे आप डिसाइड करोगे कौन सा हैवी ड्यूटी है कौन सा लाइट ड्यूटी है, उसको हम डिसाइड करेंगे। एक बार आपको पता लग जाए कंपिटेंट आदमी कौन है, कंपिटेंट सुपरवाइज़र कौन है, और एक टैग जो होता है वो एक हफ्ते के लिए वैलिड होता है। मान लीजिए आज की डेट से आप करते हैं तो अगले 14 तारीख तक आप रख सकते हो, 7 से 14, 7 दिन का आप बना सकते हो। अगर नहीं है तो उसके आपको रेड टैग उसको लगा सकते हैं, उस पर अपनी कंपनी का लोगो डाल सकते हैं, जैसे इसमें भारत पेट्रोलियम का एक लोगो डाला हुआ है हमने। उसके बाद आप देखेंगे एग्जीक्यूशन जो है कैसे आप काम करेंगे। अगर वेल्डिंग वगैरह कर रहे हैं तो अलग बनेगा टोटली, क्योंकि वेल्डिंग करेंगे तो नीचे वेल्डिंग के स्पार्क जा सकते हैं स्कैफोल्डिंग के ऊपर। तो जब भी कभी वेल्डिंग वाला या ऐसा बनाएंगे तो नीचे से उसको कोई फायर सूट या ऐसी क्लोथिंग से उसको रख लेंगे या टीन शेड लगा देंगे, जिससे जो भी स्पार्क का आइटम गिर रहा है वो वहीं रहे। इसीलिए आपको ज़रूरत है स्कैफोल्डिंग को यूज़ करने की, उसको इंस्पेक्ट करने की। अभी जो राजकोट वाला जो इंसिडेंट हुआ था वो सिर्फ फायर की वजह से हुआ था, वेल्डिंग करते हुए एक स्पार्क चला गया था, उसी से पूरी की पूरी आग लग गई। तो जब भी आप कभी स्कैफोल्डिंग को यूज़ करोगे तो हमको क्या क्या चीज़ चेक करनी है वो जानेंगे। जो एग्जीक्यूशन है वो देखेंगे भी, स्कैफोल्डिंग को चेक करेंगे अच्छे से। उसके बाद जो स्कैफोल्डिंग है वो एज पर डिज़ाइन बना है कि नहीं बना है, वो कितने आदमियों का लोड लेने के लिए सक्षम है, कितना मटेरियल लोड लेने के लिए सक्षम है, और उस पर कौन सा एरिया ऐसा है जहाँ पे कि आप नहीं जा सकते हो, वो भी आपने देखना है। अगर कोई चेंज हो रहा है एनवायरनमेंट में, जैसे आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, बारिश आ रही है, धूप गिर रही है या बर्फ़ गिर रही है, तो उस टाइम पे आपने सुपरवाइज़र को बता देना है कि भाई ऐसे ऐसे दिक्कत हो रही है सर, इससे प्रॉब्लम हो सकती है, तो उससे भी आपको बचना है। मान लीजिए बर्फ़ आ रही है, आप कहोगे सर बारिश आ रही है बर्फ़ आ रही है तो क्या फ़र्क पड़ेगा हमको। जब भी कभी बारिश या बर्फ़ आती है तो जो शूज़ आपने पहने हुए होते हैं वो बर्फ़ के अंदर आके या कीचड़ के अंदर आके पूरे के पूरे जो ग्राउट होते हैं, जैसे हम जूते के अंदर ग्राउट्स रहते हैं, खांचे रहते हैं, वो उसके अंदर बर्फ़ या कीचड़ ऐसे फंस जाता है, उससे जब भी आप कभी स्कैफोल्डिंग पर चढ़ोगे तो आपको स्लिप होने के चांस है, आप गिर सकते हो। इसलिए इन्वायरमेंटल की कंडीशन को भी आपने बहुत ज़्यादा देखना है, क्या क्या आपको देखना है। साफ़ सुथरा रहना चाहिए अपने साफ को, अपने स्कैफोल्डिंग को साफ़ सुथरा रखें। कॉम्पिटेंट जो आदमी है वही सिर्फ आपके स्कैफोल्डिंग के अंदर टैग भी लगा सकता है। टैग हमने बताया 3 तरीके के टैग हो सकते हैं, येलो, ग्रीन और रेड। जैसे आपका रेड लाइट होती है, रेड लाइट मतलब काम नहीं करना, ब्लू येलो लाइट मतलब काम कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो, लेकिन वही आदमी काम कर सकता है जो कॉम्पिटेंट है, रीगर है, या जो आदमी ने जो सर्टिफाइड है काम करने के लिए, जो सर्टिफाइड है वही आदमी आपका काम कर सकता है। और जो ग्रीन वाला है उसके बाद तो कोई भी यूज़ कर सकता है। तो ये तीनों चीज़ों के टैग हैं। और डिसमेंटली कब करेंगे, डिसमेंटलिंग करते हुए भी सेम चीज़ों का ध्यान रखना है जैसे आपने बनाते हुए किया था। एरिया को पूरी तरीके से बैरिकेड कर देना है ताकि आसपास में कोई भी आदमी, आप कोई ऊपर से, कई बार हम लोग मटेरियल ऊपर से ही फेंक देते हैं तो किसी आदमी को चोट ना लगे, इसके लिए क्या करना है, जो भी आप ऊपर से माल डालोगे उसको रस्से की सहायता से ऊपर से नीचे लटका दीजिए, नीचे आदमी खोलेगा फिर दूसरा आइटम डालिए। कई बार हम ऊपर से ही फेंक देते हैं तो पूरा का पूरा जो स्कैफोल्डिंग होता है टूट जाता है, क्रैश हो जाता है बुरी तरीके से, और आगे सेकंड रेपिटेशन में उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो डिसमेंटलिंग जब भी करेंगे स्कैफोल्डिंग की, ये चीज़ें हम लोग ध्यान देंगे। ट्रेंड या स्किल्ड जो आदमी है वही स्कैफोल्डिंग को डिसमेंटल करेगा। नंबर ऑफ पर्सन जो है वो ध्यान देंगे, भाई जितने आदमी स्कैफोल्डिंग में काम करने वाले हैं उनका पता रहे
कोई इमरजेंसी हो जाए, कोई गिर जाए, किसी को चोट लग जाए, चक्कर आ जाए, अगर टोटल आदमियों की हमारे पास काउंटिंग है तो हम सारे एक आदमी को सेफ रख सकते हैं। स्कैफोल्डर जो है मेडिकली फिट होना चाहिए, किसी को बीपी, शुगर, हाइपरटेंशन की कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। आसपास का जो एरिया है वो प्रॉपर तरीके से कॉर्डन ऑफ होना चाहिए। ट्रैफिक की कोई मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, अगर ट्रैफिक की भी मूवमेंट है तो ऐसी जगह पर रहना चाहिए भाई कोई गाड़ी आए उसे टकरा के गाड़ी वहीं रुक जाए, गाड़ी स्कैफोल्डिंग को हैम्पर ना कर पाए। जितना भी जो एरिया है वो ट्रैफिक की वजह से वो सही होना चाहिए। जितने भी आदमी काम करेंगे प्रॉपर पीपीज पहनेंगे, इन्वायरमेंटल की जो कंडीशन है वो चेक करेंगे हम लोग सूटेबल है कि नहीं है, और जितने भी मटेरियल हैं वो फेंकना नहीं है हमको, आराम से एक एक मटेरियल को रस्से की सहायता से नीचे उतारना है। तो ये हमारा स्कैफोल्डिंग सेफ्टी है। ये आपको देखिए ए दे रखा है इसमें ए बी और सी, सी वन सी टू सी थ्री। तो ये जो ए है ये आपको दिखा रहा है बे विड्थ, मतलब इस बे की चौड़ाई कितनी है। बी जो दिखा रहा है बे लेंथ है, सामने से अगर आप स्कैफोल्डिंग को देखेंगे तो उसकी जो लेंथ है वो कितनी है। सी वन जो है वो फर्स्ट लिफ्ट है, मान लीजिए जैसे एक स्कैफोल्डिंग के अंदर 500 पे दे रखे हैं तो फर्स्ट जो 500 है वो सी वन है, सेकेंड जो 500 है वो सी टू है, और थर्ड जो है वो सी थर्ड है। तो आपको ये जो शेड्स हैं, ये जो एरिया हैं, इनको आपको चेक करना है, अपने जो स्कैफोल्डिंग में है आप उनको देख सकते हो। अब देखिए जैसे हमने पहले बताया था जो हाइट है इंडिविजुअल की वो स्कैफोल्डिंग की, उसको आप ऐसे नाप सकते हैं। कभी भी कोई भी स्कैफोल्डिंग ऐसा है जिसकी अगर हाइट है वो 1 मीटर की अगर हाइट है तो वो 1:4 के रेशियो में हो सकता है। 1 मीटर की हाइट है तो 4 मीटर तक आप उसको बिना उसके लेके जा सकते हो। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। तो बे विड्थ ये वाला हो गया, इस तरीके के आपका बे विड्थ है, ये आपका बे विड्थ है। देखिए ए जो है आपका बे विड्थ है, ये इसकी चौड़ाई है, ये बे लेंथ है। बी जो है बे लेंथ है, इसकी लंबाई हो जाएगी। और सी जो है वो लिफ्ट है, कितना आपका लिफ्ट गया, फर्स्ट लिफ्ट, सेकंड लिफ्ट, थर्ड लिफ्ट। तो इस तरीके से आपका जो स्कैफोल्डिंग है वो काम करता है। उसके बाद में आप देखेंगे कुछ पार्ट्स हैं जो हम लोग यूज़ करेंगे। ये बेस प्लेट है, बेस प्लेट के बाद ये पोस्ट है, पोस्ट के बाद ये आप देखेंगे यहाँ पे सारे के सारे रनर हैं जो एक दूसरे की हेल्प करेंगे। अलग अलग टाइप का स्कैफोल्डिंग है तो अलग अलग टाइप के रनर्स हो सकते हैं। ये आप देखेंगे ये बेरर हैं जो इनको रोक के रखेंगे, सपोर्ट देंगे ऊपर से लेके पूरा जो है सपोर्टिंग का जो काम है बेरर वाले करेंगे। उसके बाद फुटलॉक्स हैं ये, उसके बाद यहाँ आप देखेंगे तो ये आपकी सपोर्ट है जो आपको ब्रेसिंग में आप इसको बोल सकते हो, या आप लॉन्गिट्यूडनल या डायगनल जो है ब्रेसिंग हो जाएगी। उसके बाद आप ऊपर अगर जाएंगे तो उसको आप देखेंगे भाई ट्रांसवर्स जो है या डायगनल जो सपोर्ट दी है, एक आपने सामने से सपोर्ट दे दी, एक साइड से सपोर्ट दे दी, तो वो जो साइड वाली जो सपोर्ट है वो ट्रांसवर्स आपका डायगोनल ब्रेसिंग है, और जो नीचे वाली जो है वो लॉन्गिट्यूडनल आपका डायगोनल ब्रेसिंग है। तो ये आप देख रहे हैं, ये सामने का फ्रंट व्यू है और साइड का एंड व्यू है। ये स्कैफोल्डिंग का देखने का तरीका है, किस किस तरीके से किस नाम से आपको बुलाएंगे, बे लेंथ, बे विड्थ, और ये आपको जब आपका पता लग गया तो इसमें लंबाई चौड़ाई सी वन जो है आपका आपको बताएगा भी किस तरीके से आपको देखना है। तो ये स्पॉटेड स्कैफोल्डिंग है, इनके जो फ्रेम है वो अलग अलग हो सकते हैं। देखिए अब आपकी साइड पे कौन से वाला है आप उससे अच्छी तरीके से रिलेट कर पाएंगे भाई इस तरीके का स्कैफोल्डिंग है आपकी साइड पे या इस तरीके का है स्पॉटेड। ये देखिए यहाँ पे चारों तरफ इसमें वो दिया हुआ है 360 टाइप, आपको कहीं भी आप उसको वो बना सकते हो, कैसा भी तरीके से इसको आप उसको अपने तरीके से डिज़ाइन कर सकते हो। तो ये जो स्पॉटेड स्कैफोल्डिंग है उसके अंदर ये पार्ट्स हो सकते हैं। जैसे यहाँ देखेंगे तो नीचे जब हम बात कर रहे थे ज़मीन पे अगर हम लगाएंगे तो ज़मीन की स्टेबिलिटी देख लेनी है। अगर ज़मीन की स्टेबिलिटी ठीक नहीं है, वहाँ पे पत्थर नहीं है, वहाँ पे नॉर्मल मिट्टी है, कीचड़ है, तो उसकी जगह पे वुडन प्लेट लगा देंगे या फिर लोहे की प्लेट लगा देंगे जिससे स्टेबिलिटी उसकी आए और उसको लोड को प्रॉपर तरीके से वो बियर कर पाए। उसके बाद आपने पहले वाले चार्ट में देखा था लॉन्गिट्यूडनल डायगोनल ब्रेस, रनर्स, आपके एक्सटेंड बियरर्स, स्कैफोल्ड के जो लैडर है वो, ये सामने देखिए इसने अलग तरीके से लैडर लगा दिया। आप भी ऐसे लैडर लगा सकते हो या लैडर लगाने का तरीका कैसे भी आप कर सकते हो, लेकिन लैडर ऐसी होनी चाहिए जो सेफ हो, आप उसको सेफली आपको ऊपर नीचे जाना है, ऐसा ना हो कि आपको जहाँ जा रहे हो आप रिस्क हो आपको। तो ये आपके कंपोनेंट्स हैं स्कैफोल्डिंग के, जो कंपोनेंट्स उसको ऐसे देखेंगे, इस तरीके के आपके स्कैफोल्डिंग के पाइप हो सकते हैं। जितने भी आपके स्कैफोल्डिंग के पाइप्स हैं वो ब्रिटिश स्टैंडर्ड जो होता है 6323 के जो पार्ट्स हैं 1 से लेकर 4 तक होने चाहिए। मिनिमम जो इनका डायामीटर है वो दिखाया गया है भाई आपका 48 mm तक होना चाहिए, और 2 इंची आप इसको समझ सकते हो, और 4 mm तक की आपकी इसकी जो डाया जो है आपका शीट की जो चौड़ाई जो बोलते हैं वो शीट आपका इतना रह सकता है डायामीटर, इसका जो थिकनेस है वो इतनी हो जाएगी। उसके बाद जितने भी आप स्कैफोल्डिंग यूज़ कर रहे हो वो गैल्वनाइज्ड होते हैं। गैल्वनाइज्ड क्यों दिए जाते हैं इसके अंदर, ताकि जंग ना लगे आसानी से और आप लंबे समय तक उसको यूज़ कर सको, और जितने भी आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं
उनको आपको फॉलो करना है, उनको जंग से बचाने के लिए साइड के ऊपर आप कलर कोड दे सकते हैं, पेंट करा सकते हैं अपना। तो ये आप देखेंगे आपका मेटल स्कैफोल्डिंग के प्लैंक्स हैं, ये देखेंगे तो ये प्लेटफॉर्म है। कोई भी प्लेटफॉर्म जो ऐसा हो जो जंग लगा हुआ हो या कोई ख़राब हालत में हो, खस्ता हालत में हो, उसको हमने यूज़ नहीं करना है। सिर्फ उसी को यूज़ करना है जो स्ट्रॉन्ग है, अच्छे तरीके से डिज़ाइन है, जो अच्छी तरीके से कंस्ट्रक्शन हो रखी है जिसकी, और जो आपको लग रहा है कि भाई अच्छी इंजीनियरिंग प्रैक्टिस से बना हुआ है। सामने से देख के भी आपको पता लग जाता है। इस तरीके से आप देखेंगे तो ये टिपिकल टाइप की जो बेस प्लेट्स हैं वो हैं। अलग अलग तरीके की बेस प्लेट्स होती हैं, कुछ जैक के साथ होती हैं, कुछ नॉन जैक्स होती हैं। तो ये एक टिपिकल टाइप की जो बेस प्लेट्स है वो ये है, ये इसके कंपोनेंट्स हैं। बेस प्लेट्स आप देखेंगे तो इस तरीके की आपकी बेस प्लेट्स हैं। बेस प्लेट जो है वही काम करेगी, 150 बाई 150 आप डालेंगे 6 इंच बाई 6 इंच की हो सकती है और 6 mm तक इसकी थिकनेस हो सकती है ताकि आपका जो लोड है उसको ले। लेकिन जहाँ पे दलदली मिट्टी है या ऐसी मिट्टी है जो बारिश के सीजन में आप लगा रहे हो तो नीचे एक्स्ट्रा पैकिंग के लिए आप शीट बड़ी कर सकते हैं, 6 mm से काम नहीं चलेगा। 6 mm की प्लेट वहाँ पे लगानी जहाँ पे स्मूथ सरफेस है, हार्ड सरफेस है, मिट्टी नहीं है, पत्थर है, या फिर आपको नॉर्मल फ्लोर है पर वहाँ पर आप इसको लगा सकते हैं। ये आपके कपलर हो गए। कपलर आपको किस तरीके से दिखाई देते हैं, क्लैम्प्स कैसी होती हैं, तो ये आपके राइट एंगल और डबल कपलर्स हैं। ये यूज़ किए जाते हैं लैडर बांधने के लिए, रेलिंग बांधने के लिए, टाइज करने के लिए, हैंडरेल के लिए, ब्रेसिंग के लिए, इनको आप यूज़ कर सकते हो। तो हर एक जो क्लैंप होती है उसका अलग अलग महत्व है। जैसे हम लोग ये देखा, हम स्वाइवल कैंप है, ये 360 डिग्री घूम जाती है और इसको आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास भी यहाँ पे है, अगर आप देखेंगे तो इस तरीके की होती है, ये चारों तरफ घूमती है। ये इसके एक तरफ में यहाँ बांधेंगे तो ये ऐसे घूम जाएगी, इस तरीके से घूमती रहेगी। तो चारों तरफ 360 डिग्री आप कैसे भी इसको कर सकते हो, दोनों तरफ से घूम जाएगी। तो ये उसी का पर्पज़ है कि आपका जो स्कैफोल्डिंग है वो सेफ रहे, आपको पता लगे। जब भी आपको भी स्कैफोल्डिंग बनाएंगे तो इस तरीके का आपको स्प्रिट लेवल लेना है। और स्प्रिट लेवल जो रहेगा इसमें देखें, जैसे बबल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, इसमें ये बबल्स के हिसाब से आप देखेंगे तो अगर बीच में सेंटर में रहेगा बबल्स तो ये नॉर्मल है, कोई भी आदमी इसको पढ़ सकता है इजीली। तो स्कैफोल्डिंग जब भी बनाएंगे तो इनका यूज़ करेंगे, इसको साइड में आपको लगाना है, इसको बार बार दिखाना है कि भाई इस तरीके का जो क्वेश्चन टेप है उसको चारों तरफ से हम लोग कॉर्डन ऑफ करके रख सकते हैं एरिया को। और जो भी आप मटेरियल ऊपर यूज़ करेंगे उसको इस तरीके की जो रस्सी है उसको बांध के आपने यूज़ करना है। मान लीजिए मैं घुंडी यूज़ कर रहा हूँ टाइट करने के लिए और लूज़ करने के लिए, तो इस तरीके की जो घुंडी है वो मेरे हाथ से छूट के किसी के ऊपर ना गिर जाए, इसको बचाने के लिए मैं इस तरीके की रस्सी का प्रयोग कर लूँगा। ये रस्सी नहीं है, आपके पास धागा है, सूता है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा इलास्टिक रोप है, अगर आप कहीं भी डीमार्ट वगैरह जाएंगे या नॉर्मल भी किसी स्टेशनरी की दुकान से आपको मिल जाएगी। अपने हाथ से बांध के इसको रखिए ताकि कोई भी मटेरियल नीचे ना गिरे। जितने भी आपके मटेरियल हैं आपको उससे नापना है भाई कौन सी जो आपकी लेंथ है, डायमीटर है, वो सही है कि नहीं है। मान लीजिए एक आपको आपने कोई पीस उठाया इधर से 3 इंच का है, दूसरी तरफ से 4 इंच का, तो उसको यूज़ मत कीजिए। जो दोनों से बराबर हो उसी का आपने यूज़ करना है। किसी भी चीज़ को जुगाड़ हम लोग बना लेते हैं कपलर को ठोकने के लिए, पीटने के लिए। जैसे ये छेनी का यूज़ कर लिया, सरिया उठा लिया, इस तरीके का यूज़ नहीं करना है। इनका यूज़ तभी करना है जब आपके पास प्रॉपर चीज़ हो। अगर मान लीजिए ये हैमर, अगर मैं बात करूँ तो इस तरीके का हैमर आप यूज़ कर सकते हो लॉक करने के लिए, उसको हटाने के लिए। हमेशा आप जब भी चाहो जब ग्लव्स आप पहन के यूज़ करो, जब भी ग्लव्स पहन के यूज़ करोगे तो आपको जो ग्लव्स भी हैं वो ऐसे रहना चाहिए रोटेड, ताकि आपको कोई भी चीज़ पकड़ने में आपको आसानी रहे, कोई भी चीज़ छूटे ना आपके हाथ से। और जैसे अगर इससे मैं ये चीज़ उठाऊंगा तो मेरे हाथ में गंदे नहीं होंगे, सेफ भी रहेगा। इस तरीके की आपकी बेस प्लेट्स हो सकती हैं, इसको हम साइट पर जाएंगे तो आपको दिखाएंगे। तो ये कुछ मटेरियल ऐसा है जो कि आपको काम में आने वाली चीज़ें हैं, जैसे सेफ्टी बेल्ट्स हैं और टो गार्ड्स हैं, ले गार्ड्स हैं, वो सब के सब आपको दिखाए जाएंगे। तो ये कुछ कंपोनेंट्स हैं जो हम लोग साइट के ऊपर जब भी स्कैफोल्डिंग बनाते हैं तो उसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग स्वाइवल क्लैंप जैसे आपने देखी थी, मैंने दिखाया था 360 डिग्री आप उसको यूज़ कर सकते हो ब्रेसिंग लगाने के लिए, सेफ वर्किंग प्लेटफॉर्म लगाने के लिए उसको आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो ये आपका जो है गिर्डर कपलर है, इसमें आप एक तरफ में जो स्क्रू है बोल्ट्स हैं उसकी मदद से आप लगा सकते हो। ये जैसे सपोर्टेड स्कैफोल्डिंग आपको वहाँ पर आपको लगाना है, वर्टिकल आप स्कैफोल्डिंग खड़े करते जा रहे हैं, एक जगह पे आपको बीम मिल गया वहाँ पे अच्छे से बोल्ट मारिए और फास्टनर डाल के उसको ठोक दीजिए और एक तरीके से ये उसको बोल्ट करके टाइट कर देगा। वहाँ से आप अपना रंग लेके जाइए, उसको जो बेस क्लैंप्स है उसको लेके जा सकते हैं। इसको गर्डर वगैरह कहाँ पे कोई क्लैंप्स वगैरह आ जाए उसको आप यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी कैपेसिटी होती है इनकी। उसके बाद पुटलॉक टाइप के, पुटलॉक जैसे ऐसे हाफ इंच आप बनाते हो ऐसे, इस तरीके से जैसे हाथ में आपने कोई चीज़ पकड़ रखी है, नीचे से ऐसे पकड़ लेगा, ऊपर से क्लैंपिंग हो जाएगी, कस जाएगा, तो सेफ रहता है ये भी।
इसको आप कहाँ पे यूज़ कर सकते हो, जहाँ सिंगल क्लिप है, जहाँ पे रैपिंग आपको करनी है, या बोर्ड जो है वहाँ पे आपको लगाने हैं, या ट्रांसम फिट करने हैं, या जितने भी जो बोर्ड है उनको आपने ले करना है, वहाँ पे आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे आपका स्लीव कपलर्स है, दो पाइप्स को एक साथ जोड़ने के लिए काम आता है। इसको आप जैसे ब्रैकेट की तरह भी बोल सकते हैं, जैसे ब्रैकेट का हम यूज़ करते हैं, एक ब्रैकेट में दोनों को बंद कर देते हैं, ऐसे आपको दो पाइप्स को अलग अलग को एक तरफ में आप जोड़ के उसको रोक सकते हैं। तो ये स्टीव है, और जॉइंट पिन भी आप बोल सकते हैं इसको, दो कनेक्शन को एक कर देती है ये। इस तरीके की जॉइंट पिन भी आपने देखी होगी, ये भी जॉइंट पिन है, इसमें भी आप दो दो कपलर को एक जगह जोड़ देते हैं ताकि दोनों के दोनों सेफ रहें। अब हमने स्कैफोल्डिंग के कंपोनेंट के बारे में जान लिया है, अब हम बात करेंगे इसमें हजार्ड्स क्या हो सकता है और उसको हम लोग कंट्रोल कैसे करते हैं। तो स्कैफोल्डिंग के जो हजार्ड्स हैं वो इस तरीके के हो सकते हैं, जितने भी आदमी साइट पर काम कर रहे हैं उनको स्कैफोल्डिंग के खतरों के बारे में पता होना चाहिए, कौन कौन से खतरे हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए पिक्चर आपको दिखाई जा रही है, इस पिक्चर के अंदर आप देखेंगे तो एक आदमी काम कर रहा था, नीचे से जो प्लैंक्स थे वो टूट गए और नीचे गिर गया और वो मर गया आदमी। ऐसे ऐसे बहुत सारे एक्सीडेंट हुए हैं, ये पिक्चर्स वहीं से बनी है। ये जो पिक्चर्स हैं वो एनिमेटेड हैं लेकिन हर एक सच्चाई पर बेस्ड हैं। तो जितने भी फॉल हैं वो हाइट से गिरने की वजह से एक्सीडेंट हो सकते हैं, स्लिप हो सकते हैं, अनसेफ एक्सेस के ना होने की वजह से गिर सकते हैं, या फॉल प्रोटेक्शन नहीं होने की वजह से भी जान जा सकती है। जितने भी आपके टूल्स हैं, ये छोटा सा अगर इक्विपमेंट ऊपर से गिरेगा तो किसी का सिर फाड़ सकता है। और मान लीजिए मैं हैमर की बात करूँ तो हैमर तो बहुत भारी है, 3-4 किलो का हैमर है, किसी के ऊपर गिरेगा तो उठ ही जाएगा वो। तो ऐसे काम नहीं करने हैं। जितने भी टूल्स हैं, जितने भी डेब्रिस हैं वो गिर सकते हैं ऊपर से, तो उनको बांध के रखना है जैसे हमने दिखाया था। इलेक्ट्रिकल का करंट लग सकता है ओवरहेड की लाइन से, ओवरहेड पावर लाइन से हमेशा बच के रहना है, उससे दूरी बना के रखनी है। कितनी दूरी बनानी है वो भी हम लोग बताएंगे। स्कैफोल्डिंग जो है उसको क्लैप्स ना हो उससे बचाने के लिए उसकी स्टेबिलिटी को चेक करेंगे, ओवरलोड उसको नहीं करेंगे। प्लैंकिंग जो है उसको हमेशा साफ रखेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे। अब ये देखिए, ये दिखा रहा है कि भाई जब भी आप स्कैफोल्डिंग पर चढ़ोगे तो क्या क्या सावधानी बरतनी है। जुगाड़ बना के कभी भी काम नहीं करना है। अब जब भी आपको भी जुगाड़ बनाओगे तो गिरने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। जब भी कभी चढ़ें स्कैफोल्डिंग के ऊपर या उतरें तो हमेशा सामने की तरफ मुंह करके उतरें। जब भी कभी काम करें तो ऐसी जगह पर काम ना करें जो अनगार्डेड हो। अब देखिए जैसे यहाँ पर अनगार्डेड है, स्कैफोल्डिंग था, स्कैफोल्डिंग के आगे कोई जगह नहीं है, तो इन्होंने फंसा दिया ऐसे ही कोई फट्टा और उसको काम करके यूज़ कर रहे हैं लोग। ऐसी गलती कभी भी ना करें, ऐसे बड़ा एक्सीडेंट होगा। जब भी कभी स्कैफोल्डिंग या प्रैंक कोई फेल होता है तो आप भी उसके साथ ही नीचे आओगे, गिरोगे। कैसे बचाना है वर्कर्स को फॉल से, ऐसे बचाना है हमने सब जगह पर, जब भी कोई आदमी कहीं काम कर रहा हो तो हमने कोशिश ये करनी है कि भाई 10 फुट के आसपास तक का जो एरिया है वो बैरिकेड रहे। और उनको कैसे बचाएंगे, गार्ड रेल कर देंगे हम लोग आसपास के एरिया को, जितनी भी ओपन साइड है उनको बंद कर देंगे, जितने भी एंड्स हैं उनको क्लोज कर देंगे। और क्लोज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जैसे आप देखेंगे ऐसा यूज़ कर देते हैं, इसको बोलते हैं टॉप रेल, ये मिड रेल, ये टॉप बोर्ड, ये क्या हम गाती है, ऊपर वाला जो है 1 मीटर के आसपास रहती है ताकि आपको गिरने से बचाया जा सके। बीच वाला जो होता है मिड रेल होती है, जहाँ पे कई बार लेबर बैठ भी जाते हैं तो बैठना भी नहीं है इसके ऊपर, बैठने से भी कई लोग गिर जाते हैं। अगर मिड रेल भी नहीं है तो भी आप कई बार होश ना होने की वजह से वैसे भी गिर के चोट लग सकती है। तो टॉप रेल है, टॉप रेल की हाइट जो होती है वो 39 इंच से लेके 42 इंचेस तक हो सकती है। जनरली आप 1 मीटर इसको समझ सकते हैं, 1 मीटर भी समझ में आया तो ये समझ लो कि भाई जहाँ पे आप खड़े हो रहे हो, आपकी जो बेल्ट आपने जहाँ पहनी है वो आपका जो लेवल है वो टॉप रेल का लेवल है। जहाँ पे आपका घुटना आ रहा है वहाँ पे आपका जो लेवल है वो मिड रेल का लेवल है, और टॉप बोर्ड जो है वहाँ पे आपका टो जहाँ पे आ रहा है, टखना जहाँ पे आ रहा है, वो आपका टो लेवल है। 3 से 4 इंच आपको एक आमतौर पर बताया जा रहा है कि एक आदमी के हिसाब से भी आप किसी भी आदमी को लेके उसकी हाइट के हिसाब से भी उसको मेजर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब भी आप काम करेंगे तो फॉल अरेस्ट के सारे सिस्टम, जैसे आपका फॉल अरेस्ट है, आपका सेफ्टी बेल्ट है, उसको आपने यूज़ करना है। फॉल अरेस्ट सिस्टम क्या क्या हो सकते हैं, इस तरीके का फॉल अरेस्ट सिस्टम हो सकता है। ये देखिए यहाँ पे एक फॉल अरेस्ट सिस्टम हमने यूज़ किया हुआ है। ये फॉल अरेस्ट सिस्टम का काम क्या है कि भाई आपको सेफ्टी बेल्ट के अंदर लगा के दे देगा, जब भी कभी आप काम करोगे तो आपको सिंगल आदमी को गिरने से बचाएगा ही। तो जितने भी आपके फॉल अरेस्ट सिस्टम है उसमें लाइफ लाइन हो सकती है, बॉडी हार्नेस हो सकती है। फुल बॉडी हार्नेस कुछ इस तरीके की हो सकती है, आपको दिखाऊंगा। ये आपके जो क्लैंप्स हैं वो आपको स्कैफोल्डिंग के अंदर लगा देने हैं। और ये स्कैफोल्डिंग का जब क्लैंप लगाओगे तो यहाँ पे आपका फॉल बैक के साथ में ये आपका शॉक एब्जॉर्बर रहता है। जब आप गिरोगे तो आप धीरे धीरे नीचे आओगे, तो ये धीरे धीरे पट्टे इसके खुलते जाएंगे। तो फुल बॉडी है ये, ऊपर से भी आपको प्रोटेक्ट रखेगी और नीचे से भी आपको प्रोटेक्ट रखेगी। तो इसका लगाने का फ़ायदा ये है कि जब भी आप कभी हाइट के ऊपर काम करोगे तो आपको जो आदमी है वो इस तरीके से सेफ हो जाओगे आप, और इसको आप ऊपर लगा के रखेंगे, कभी गिरोगे तो आपको गिरने से बचाएगी। तो ये उसका था।
फॉलिंग ऑब्जेक्ट को आप कैसे गिरने से बचा सकते हो? अब देखिए जहाँ पे आपने ये देखा है, हमने यहाँ पे क्या क्या हजार्ड है, अगर हजार्ड की बात करें तो देखो नीचे बीच में कोई भी इसके मटेरियल नहीं है, कोई भी आदमी जब काम करेगा तो गिरने के पूरे पूरे चांसेस हैं, या आपका जो सामान है वो भी गिर सकता है। जब भी कभी काम करेंगे तो हार्ड हेड मतलब हेलमेट जरूर डालेंगे, आसपास का जो एरिया है उसको कवर करके रखेंगे, कई बार ना चाहते हुए भी एक्सीडेंट हो जाते हैं। अभी ये आदमी ऊपर काम कर रहा है, हल्की सी आंधी आए, हवा आए, तेज़ तूफान आए, तो ये डिब्बा जो यहाँ पे जो रखा हुआ है वो नीचे गिरेगा और जो नीचे आदमी काम कर रहा है उसकी जान भी जा सकती है इतनी हाइट से गिरने की वजह से, या फिर ये आदमी भी किसी के ऊपर गिरेगा तो उसकी भी जान जा सकती है और जिसके ऊपर गिरेगा वो भी अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। तो ये चीज़ें हम लोग को ध्यान रखनी है, तो इन चीज़ों को हमने अवॉइड करना है। प्रॉपर पैनल का यूज़ करना है, स्क्रीन का यूज़ करना है, जो भी आदमी काम करेगा अच्छे तरीके से टोबोर्ड लगा के काम करेगा जिससे आपका मटेरियल है वो भी ना गिरे, रेलिंग है तो आप भी नहीं गिरोगे, सेफ रहोगे दोनों के दोनों। तो जो भी आप जहाँ पे काम कर रहे हो प्रॉपर कैनोपी लगा के स्कैफोल्डिंग के साथ ऐसी जगह पे काम करना है, अगर उसमें कुछ दिख रहा है, कोई डिफेक्ट है किसी ऑब्जेक्ट में तो उसको यूज़ नहीं करना है। ये ओवरहेड की पावर लाइन है, ओवरहेड की पावर लाइन से कैसे कैसे दुर्घटनाएं हो सकती हैं उसको हम लोग बात करेंगे। जब भी आप कभी स्कैफोल्डिंग बनाते हैं तो आसपास की जितनी भी इलेक्ट्रिक्यूशन है या वायर्स हैं उनके ऊपर हम लोग ध्यान देना है। जितनी भी ओवरहेड लाइन है वो हमेशा यही सोच के रखते हैं कि इसमें करंट हो सकता है। एक छोटा सा यहाँ पे फोटो है, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे एक आदमी काम कर रहा है, इसने नीचे से ऊपर एक लैडर उठाया और यहाँ पे ऊपर हाई टेंशन वायर है, इसने उसको उठा के ऊपर देखा नहीं और पूरा ऊपर तक ले गया, 3 मीटर की लैडर थी, जैसे ही ऊपर लेके गया इसका हाथ ऐसे लगा और ये करंट पकड़ के नीचे गिर गया, वहीं से आदमी मर गया। ऐसे ऐसे एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। जितने भी ओवरहेड पावर लाइन है उसमें क्या क्या सेफ्टी बरतेंगे, कितना कितना दूर रहना है उसको हम बात करेंगे। अगर 300 वोल्ट का करंट है 3 फिट की आपको दूरी बना के रखनी है, 300 वोल्ट से 50 केवी तक का है तो 10 फीट की आपको दूरी बना के रखनी है, 50 फीट से दूरी है तो 10 फीट से ज़्यादा आपको दूरी रखना है। अगर थंब रूल में समझेंगे तो 4 इंची की दूरी आपको रखनी है हर 1 किलोवाट पे, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो 50 किलोवाट तक आप जो है इस फॉर्मूला को आप अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आप काम करेंगे वो अनइंसुलेटेड जो रहेंगे जो लाइंस है उसके ऊपर अगर आप काम करें तो उस तक की दूरी जो है वो 10 फीट के आसपास में हो जाएगी। एक थंब रूल बोला जाता है 10 फीट का, लेकिन जब हाई जो पावर होती है वो किसी भी मेटल ऑब्जेक्ट को पकड़ लेती है। मान लीजिए अगर मैं इस तरीके का लोहा अगर उसके कॉन्टैक्ट में लेके गया तो वो उसको कैच कर लेगी और 10 फुट से पहले ही उसको अरेस्ट कर लेगी और आप भी वहाँ पर मारे जाओगे। तो इस तरीके की जो स्कैफोल्डिंग के पाइप हैं वो सारे ऐसे ही रहते हैं, तो आपने स्पेशल प्रिकॉशन बरतनी है उस दौरान कि ऐसा हमारे साथ ना हो। कितने भी ब्रेसिंग पाइप्स हैं सारे के सारे लोहे के होते हैं, मेटेलिक होते हैं, नॉन मेटेलिक बहुत रेयर होते हैं और जो आते हैं वो बहुत महंगे आते हैं। हम लोग जहाँ पे हाई टेंशन की जहाँ मेट्रो में हम लोग काम करते हैं तो मेट्रो में जहाँ ओवरहेड की लाइन होती है, जहाँ जिसके ऊपर मेट्रो चलती है, जिसके ऊपर करंट हमको जहाँ से मिलता है वहाँ पे हम लोग जो यूज़ करते हैं वो हम लोग बेड कंडक्टर का जो स्कैफोल्डिंग है उसका बनाते हैं, ताकि उसके ऊपर करंट का जो सप्लाई है वो नॉन इंसुलेटर से बने होते तो उसके अंदर करंट की सप्लाई आती नहीं है। लेकिन सब जगह पे आपको इतने महंगे नहीं मिलेंगे, आपको अपनी सेफ्टी बरतनी है। आप कोशिश कीजिए कि हाई पावर टेंशन से हाई लाइन से आपको कम से कम 10 फीट की दूरी आप बना के रखो। उसके बाद अगर कहीं भी लाइन जो है वो 65 के आसपास में है तो भी आपको ये करना है कि भैया एक फॉर्मूला दिया है 65 kV इजिकल टू 50 kV प्लस 55 प्लस 15 करके ये 10 फीट की दूरी आपने वैसे बना दी, 15 × 4 इंचज में करके जाओगे 10 फीट 6 इंच आपको दूरी बना के रखनी है अगर 65 kV की पावर लाइन है तो। इतना आपका माने जाएगा कि 10 फुट की दूरी आपको रहनी रहनी है। मैं तो कह रहा हूँ 10 फुट की जगह 20 फुट रहो, आपको जाने ही क्यों वहाँ पर जहाँ पे काम ही नहीं करना वहाँ पे। और काम करना है तो पहले उसको इंसुलेट कर लो, उसके नीचे कुछ ऐसी चीज़ लगा दो जो ऊपर जाने से पहले चीज़ रुक जाए। जैसे आपने कभी देखा होगा हम लोग अगर रोड पर जा रहे हैं तो कहीं ऐसा अंडरपास आ रहा है जो 2 मीटर का है तो वह पहले ही लिख देते हैं, उससे पहले ही 2 मीटर का एक और बैरियर बना देते हैं, भैया यहाँ पे जाना ही नहीं है आपको, 2 मीटर तक आप जाओगे ही नहीं। तो ऐसा आप रखो, क्यों आपको करना है? जहाँ पे हाई टेंशन की वायर आ रही है उसके पहले ही आप प्रोटेक्शन लगा दो, भाई इसके आगे आपको बढ़ना ही नहीं है, आपको प्रोटेक्शन लगा दोगे तो जाओगे ही नहीं आप वहाँ पे। उसके बाद आपको स्कैफोल्डिंग देखना है। हम ऐसे बात कर रहे थे 1:4 के रेशियो में, अगर ये आपका 1 मीटर का है आपका बी लेंथ तो आपको ऊपर तक आप जा सकते हो, 4 मीटर तक आपको किसी भी सपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने यहाँ दिखाया कि 5 इंच का है यहाँ पे तो 20 फीट तक आपको कोई ज़रूरत नहीं है, 20 फीट तक आप बराबर जा सकते हो बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी साइड सपोर्ट के, बिना किसी डायगोनल सपोर्ट के, ऐसे आप जा सकते हो। अगर आप इसके ऊपर जाते हो तो आपको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, जितनी भी आपकी हाइट है आपके स्कैफोल्डिंग है। जब भी अगर 4 टाइम से ज़्यादा हो तो आप उसको समझ जाओ कि खतरा है, उसके ऊपर आपको ब्रेसिंग या एडिशनल सपोर्ट बिल्कुल देनी ही देनी पड़ेगी। जब भी कभी आप स्कैफोल्डिंग बनाओ तो आप पहले प्री प्लान कर लो। क्या क्या प्री प्लान करोगे आप लोग? तो पहले देखोगे भाई साइट को इवेल्युएट करो,
आसपास की मिट्टी कैसी है, कच्ची है कि पक्की है, उसके अंदर कौन कौन से खतरे हो सकते हैं, कोई पावर लाइन तो नहीं है, जो स्कैफोल्डिंग आप बनाने जा रहे हो वो कौन से टाइप का स्कैफोल्डिंग है, सस्पेंडेड है कि सपोर्टेड है कि कौन सा है, कौन कौन सी एक्टिविटी आप परफॉर्म करने वाले हो, आप वेल्डिंग करने वाले हो, आप चिनाई करने वाले हो, आप रंधा करने वाले हो, क्या क्या आप काम करने वाले हो, वो सब आपको पहले देखना है। उस तरीके से आपको प्लानिंग करनी है, जो भी आप एक्टिविटी करोगे वो सारी की सारी पहले दिखनी चाहिए। उसकी वेट कैपेसिटी जो आपने आपने लगा दिया है उसके अंदर आपको वेट कैपेसिटी चेक करनी है, भाई जहाँ पर आपका स्कैफोल्डिंग बना हुआ है वो कितने किलो तक का लोड दे सकता है वो आपको देखना है, उसके हिसाब से आपको लोड देना है। तो ये आपको पहले ही इवेल्युएट करना है साइट को। जब भी कभी आप इवेल्युएट करें तो बहुत सारे फैक्टर काम आएंगे आपके। फैक्टर में काम क्या क्या आएगा, जैसे हमने पहले बताया, आसपास की सराउंडिंग, जैसे आप अभी फोटो देखेंगे ऊपर नीचे जो है वो सरफेस ऐसा है उबड़ खाबड़, वहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप देखेंगे तो यहाँ पे गड्ढे गड्ढे आपको बड़े बड़े गड्ढे नज़र आएंगे, गड्ढों के अंदर छोटी छोटी बेस प्लेट लगा के आपको काम कर रहे हैं, बिल्कुल अनसेफ है। तो सरफेस जो लेवल है वो चेक करना है अच्छी तरह से है कि नहीं है। सरफेस लेवल चेक करने के बाद ग्राउंड की जो सपोर्ट है वो कैसी है, स्कैफोल्डिंग को